यहाँ पे हमारी जमीन है, हमें सुबह पहले फोन आता है क्योंकि हमने पहले भी एक दिन अपने एक रखी गई थी हमारे आगे कि हमारा जो मतलब कि यहाँ पे ज़मीनें जा रही हैं, पता नहीं बोलते हैं कोई कॉम्प्लेक्स है, कोई बोलते सर्कल है, क्या है क्या नहीं, उसमें हमने बोला कि यहाँ पे बुत्ती नहीं लगाई है और यहाँ पे मतलब कि लिया जा रहा है, ये आ जाए, इन्होंने बोला कि यहाँ पे बुत्ती लगाई जाएगी, आपको पता लग जाएगा आपकी ज़मीन कहाँ कहाँ तक जा रही है। हमने भी बोला ठीक है कोई बात नहीं लगा लो, हमने बोला हमारी फसल मत खराब होने का, हाँ उन्होंने बोला सिर्फ लगाई जाएगी, NH वाले आ रहे हैं वो लगाएंगे, हमने भी बोला ठीक है। बाद में मैं अपने ससुराल में थी, मुझे फ़ोन आता है यहाँ से मायके वालों को, मेरी माँ है विडो लेडी है और उन्होंने फ़ोन करते हैं कि इशू यहाँ पे ना इन्होंने सारी ज़मीन जो बस अड्डे की कवर कर ली। मैंने बोला वो कैसे कवर कर ली, ना तो हमने इन्हें ना हमें बताया गया, यार अपनी मर्जी ना करो, अपनी मर्जी। सुबह इन्होंने हमें फोन किया, इनके ठेकेदार ने, उसका नाम है मुनीश, उसने बोला कि हमसे बुत्ती लगाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। हमने भी सोचा ठीक है बुत्ती लगा लो, इन्होंने बोला आपको आपको पता लग जाएगा कि इधर इधर तक कवर होगा, ठीक है इधर इधर तक कवर होगा, हमने बोला ठीक है। उसके बाद ये देखो ये सारी जमीन सारी इन्होंने कवर कर ली, हमारी फसलें लगी हुई हैं, हमें नोटिस तो जारी करते हैं, हमने कितना पैसा बर्बाद किया है, 1600 रुपया क्विंटल, हमने यहाँ पे 1600 रुपए की एक बोरी 40 किलो की आती है, हमने वो इधर 20 रहा है, कितनी जमीन है हमारी, क्यों चोर बात कर रहे हैं? छेक माँ जगह। बात ही नहीं है, सिर्फ रोड तो बना बोल रहे थे हम रोड बनाएंगे, हमें कॉम्प्लेक्स से कोई लेना देना नहीं, बाद में देखा जाएगा। जब यहाँ पे मैं आती हूँ, मैं आते आते मुझे एक घंटा लग जाता है, जब मैं यहाँ पे आती हूँ यहाँ पे तहसीलदार वगैरह यहाँ पे इन्होंने तबाही मचा दी हुई थी, आए और हमारी ज़मीनें यहाँ से कवर कर रहे थे, मैंने तहसीलदार से एक जवाब नहीं पूछा, मैं गुस्से में आ गई क्योंकि हमारी ज़मीन है, हम शुरू से यहाँ पले बड़े हैं, हमारे फादर साहब यहाँ पे इस ज़मीन के पीछे ही सारी उम्र एक्सपायर भी हो गए, वो बेचारे यहाँ से चल बसे, पर ये ज़मीनें हमारी माँ है, हम छोड़ देते हैं इनको, कैसे छोड़े हम इनको, हमने बनाई है ये, और उन्होंने हमें पूछा तक भी नहीं, और तहसीलदार और नायब तहसीलदार भाग भी गए और हमें जवाब भी नहीं दिया कि किस तहत पे उन्होंने ये मशीनें लगाई, हमें कोई नोटिस तो जारी करते, हम देखते तो सही कि नोटिस आ गया है कि फसल नहीं लगाएंगे। हमने सर 1600 की एक बोरी आती है 40 kg की, उसकी कनक की हमने वो लगाई है, डाया की 1350 की बोरी है वो लगाई है, काफ़ी ज़मीन है हमारी 10-15 कमा ज़मीन है मेरी सिर्फ, और बाकी इनकी अलग है किसानों की, वो ज़मीन में सीधा इन्होंने तबाही